हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल MM टेक्नो हब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डी वॉल रिग कैसे असेंबली करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारा डी वॉल का पाइलिंग रिग है और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग बॉक्स टाइप का मास्ट। अभी ये ट्रक चेन को हम लोग बड़ा करेंगे, उसके लिए इधर जो दो पिन दिया है उसको निकल के बड़ा वाला पिन को निकालना पड़ेगा। और इस बूम को जॉइन करने के लिए इधर जो पिन दिया है इसको हम लोग पहले पिन को निकल लेंगे। और ये जो पाइप जैसे यूनिट देखा जा रहा है ये पोर्टेंटेड MDSG विंडिंग सिस्टम है। और ये हमारा है ग्रैप यूनिट, स्टैंडर्ड गैप काटिंग है 2.8 मीटर स्टैंडर्ड गैप काटिंग करता है और राउंड टाइम में 3 मीटर काटिंग करते हैं। तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रैक चेन को बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद लास्ट में जिसका होल मैच करेगा, इधर देखिए ये जो होल है ये होल के साथ अंदर में जो होल है उसमें हम लोग पिन से इसको लॉक करना पड़ेगा। आप पीछे देख सकते हैं कितना अंदर चला गया। अभी उधर पिन से हम लोग लॉक नहीं करेंगे तो ट्रैक बाहर आ सकता है। तो चलिए फटाफट चारों साइड हम लोग लॉक कर लेते हैं। अभी हम लोग ये जो मास्क है इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो इधर जो नट बोल्ट दिया है उसको हम लोग फटाफट ओपन कर लेते हैं और इसको पिन से हम लोग अभी लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करके उधर मेन बूम के साथ ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉक्स टाइप मास्ट। इसका जो एक्चुअल वेट है वो 5 टन का है। होल को इधर होल को मैच करने के बाद हम लोग पिन से ऊपर वाला लॉक कर देंगे और नीचे नट बोल्ट से लॉक कर देंगे। अभी हमारा मास्क जोड़ के रेडी हो गया। इसके बाद हम लोग प्लांटेड MDSG विंडिंग सिस्टम का जो पाइप है उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो इधर आएगा उसका सपोर्ट, इधर एक सपोर्ट आएगा और उसके बाद ये नट बोल्ट को निकलना पड़ेगा क्योंकि इधर ही वो लॉक होगा। और वो जो दो होल दिखाई दिए पहले
उधर वायर रोप अंदर जाएगा, तो इसको हम लोग फटाफट असेंबली कर लेते हैं। अभी ये जो विंडिंग सिस्टम, इसका मेन कम क्या है, इसका अंदर स्प्रिंग है। ये जो हाइड्रोलिक पाइप का ड्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये जब पाइप नीचे का तरफ जाएगा तो इधर अंदर जो स्प्रिंग है, ये पाइप का अंदर जो विंडिंग सिस्टम पाइप का अंदर जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग टाइट हो जाएगा। उसके बाद जब पाइप से रिटर्न आएगा तो स्प्रिंग को लूज करेगा। दोनों साइड का विंडिंग सिस्टम ज्वाइन होने के बाद हम लोग जो हाइड्रोलिक पाइप है दोनों साइड खींच के रेडी कर लेंगे, मतलब सामने का तरफ लेकर चला जाएंगे। क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक पाइप है, ये हाइड्रोलिक पाइप से हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो करके गैप को टोटली कंट्रोल करता है, मतलब गैप जो ऑपरेटिंग होता है ओपन क्लोज, ये इसमें हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो होने से ही ऑपरेटिंग होता है। अभी हाइड्रोलिक पाइप को मास्क का टॉप पोजीशन में लेकर आने के बाद हम लोग जो उसका जो केबल है, इलेक्ट्रिकल केबल जिसमें सिस्टम का पूरा डिटेल्स बताता है, उसको मास्क का टॉप तक लेकर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप है वायर रोप। वायर रोप को हम लोग मास्क का टॉप तक लेकर जाएंगे, फिर उधर पुली के अंदर से नीचे का तरफ लेकर आएंगे, ताकि जाके ग्रैब में फिक्स होगा। अभी हम लोग जो इसका जो मेन बूम है उसको ऊपर करते हैं, मतलब मास्ट को ऊपर करते हैं, देन हम लोग जो ड्रेप यूनिट है उसमें वायर रोप फिक्स करते हैं।
ये सिंबल है, इसमें वायर रोप को बराबर लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ग्रैब के ऊपर पूरा लोड इसी के ऊपर आता है। अगर बाई चांस इधर से स्लिप कर गया तो आपको ग्रैब पूरा डाउन में जा सकता है। तो अभी हम लोग ग्रैब में वायर रोप लगा दिए, तो उसके बाद सिंबल के अंदर से हम लोग जो वायर रोप लिए थे इधर डी साइकिल से अच्छे से क्लैंपिंग कर देंगे। और अभी जो MDAG विंडिंग सिस्टम था उधर हम लोग वायर रोप से इसको लॉक कर देंगे क्योंकि ये पूरा ये घूमेगा तभी जाके इसका जो अंदर का जो स्प्रिंग है वो टाइट होगा, लूज होगा, इसलिए इधर दोनों में वायर रोप बराबर फिक्स करना पड़ेगा आपको। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो इसमें हाइड्रोलिक पाइप है वो ग्रैब यूनिट में हमको फिक्स करना है। तो इधर से हम लोग हाइड्रोलिक पाइप लेकर आएंगे, लेकर आने के बाद ग्रैब में जो नीचे जो यूनिट है इस जगह में इसको खोल के हम लोग इधर हाइड्रोलिक पाइप फिक्स करेंगे। तो चलिए फटाफट बोथ साइड में हम लोग हाइड्रोलिक पाइप फिक्स कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा जो डी बॉल का रिग मशीन है वो टोटली असेंबली होकर रेडी हो गया।